नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आर्सेनल पे। मैं हूं मोहन सुधार। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक परफेक्ट और प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के लिए हमें क्या क्या कुछ सीखने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के साथ साथ मैनुअल अकाउंट सीखना कितना जरूरी है और अकाउंट्स और टैक्सेशन वर्क होता क्या है। तो कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यानी कि कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली या विधि जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले या सीखने के साथ साथ हमें मैनुअल अकाउंट सीखना कितना जरूरी होता है। कंप्लीट वीडियो दोस्तों प्रैक्टिकली रहने वाला है, और एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम टैली सॉफ्टवेयर सीख के किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट के पोस्ट पे हम जॉब पा लेंगे, तो उनके लिए तो विशेषकर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए हमें अकाउंट्स वर्क और टैक्सेशन वर्क ये दोनों को सीखना बहुत ही जरूरी होता है। कि अगर हमें अकाउंट्स का नॉलेज है और टैक्सेशन के बारे में हम कुछ ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, तो भी हमारा काम आधा अधूरा है। अगर हम टैक्सेशन के बारे में जानकारी रखते हैं लेकिन अकाउंट्स का नॉलेज हमें नहीं है, तो भी हमारी आधी अधूरी अकाउंटिंग होती है। तो हमें कंप्लीट सीखना होता है अकाउंटिंग और टैक्सेशन का वर्क है जो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंट्स का वर्क का मतलब क्या होता है और टैक्सेशन वर्क का क्या मतलब होता है, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि मैनुअल अकाउंट्स और कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स में कितना डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स वर्क की, अकाउंट्स वर्क का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस से। तो दोस्तों, ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा होता है? ऐसा बिजनेस जहां पर प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है, उसके बाद में अपना मार्जिन लेके और उस प्रोडक्ट को है जो सेल कर दिया जाता है, यानी कि परचेज किया, अपना प्रॉफिट लेके मार्जिन लेके उसी प्रोडक्ट को सेल कर दिया, तो वो ट्रेडिंग बिजनेस की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, हम कंप्लीट जानकारी करेंगे ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में, हम समझेंगे, उसके बाद में हम प्रोफेशनल सर्विस के बारे में भी समझेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस की अकाउंटिंग भी हम समझेंगे, उसके बाद में हम कमीशन एजेंट्स के बारे में भी समझेंगे। टोटल कंप्लीट अकाउंट्स का हमारा ये सीरीज रहने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ पूरे सीरीज के साथ, पार्ट वाइज वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स वर्क की। दोस्तों, अकाउंट्स वर्क का मतलब क्या होता है कि हमें अकाउंटिंग का कोर्स हमने कर लिया, और जब भी हम किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस कंपनी में जो हमें रूटीन वर्क जो करने को मिलता है वो हमारा अकाउंट्स का पार्ट होता है। जैसे कि कंपनी में हमने टोटल परचेज आज के लिए किसमें जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है वो चलती है सारी, यानी कि टोटल हमने आज के दिन में कितना परचेज हमने किया, कितना हमने सेल किया है, कितनी हमने आज मार्केट में पेमेंट करी है, कितनी आज हमारे पास यानी कि हमारी कंपनी में टोटल रिसिप्ट आई है, या इसके साथ साथ कितना आज हमने बैंक में है जो कैश है जो डिपॉजिट करवाया है, या इसके साथ कितना कैश हमने विड्रॉल किया है, कितने आज हमने लोगों को चेक के द्वारा पेमेंट करी है, कितने चेक के द्वारा आज हमें पेमेंट है जो रिसिप्ट हुई है, या कितनी आज हमने ऑनलाइन पेमेंट करी है या ऑनलाइन पेमेंट हमें रिसिप्ट हुई है, कितने आज टोटल हमारी कंपनी के खर्चे रहे हैं। तो इन सब रिकॉर्ड को मेंटेन करना अकाउंट्स वर्क में होता है, क्योंकि ये जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है ये सारी डे टू डे चलती है, यानी कि सेल हमारी आज भी थी, सेल हमारी कल भी होगी, सेल हमारी परसों भी होगी, इसी तरीके से हमारी कंपनी के खर्चे आज भी हैं, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। तो ये रूटीन वर्क है कि ये पूरे साल चलने वाला वर्क है, यानी कि 365 डेज है ये जो चलेगा चलेगा पूरे साल। तो हमें डे टू डे इन सब रिकॉर्ड को अच्छी तरीके से मेंटेन करना होता है। जो हमने गुड्स परचेज किया है, जो इनवॉइस हमारे पास आए, उस इनवॉइस को हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, यानी कि हम उसकी बुक्स की एंट्री किस तरीके से करेंगे, कितने लेजर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके साथ साथ सेल का, पेमेंट का, यानी कि टोटल वाउचर हम मेंटेन करते हैं। तो ये रहता है हमारा अकाउंट्स वर्क का काम। उसके बाद में बारी आती है टैक्सेशन वर्क की। दोस्तों, टैक्सेशन वर्क में क्या कुछ आ जाता है हमारा, मेन आ जाता है जैसा कि जीएसटी का। टैक्सेशन का मतलब टैक्स से रिलेटेड जो भी हमारा वर्क होता है,
या जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो हमारा वर्क बच जाता है वो सारा का सारा टैक्सेशन में आता है, जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट चलता है जीएसटी का। अब जीएसटी का मतलब अब हमें ये भी पता करना होता है मंथ एंड पे कि हमारे जीएसटी टैक्स की लाइबिलिटी हमारी बन रही है या नहीं बन रही। बन रही है तो किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, कब हमें डिपॉजिट करवाना होता है, उसके बाद में जीएसटी रिटर्न से संबंधित हमारा रिकॉर्ड, जैसा कि हम मंथली जीएसटी R1 को फाइल करते हैं, 3B की रिपोर्ट को भी फाइल करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए जीएसटी R1 की रिपोर्ट में क्या कुछ दिया जाता है, जीएसटी R3B के पार्ट में हमें कौन कौन से कॉलम में कौन कौन सी फिगर्स हमें देनी होती है। अब जीएसटी R1 के अंदर भी B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, तो यानी कि ये सारी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ मंथली हमारा TDS है या फिर TCS है, इनकी भी हमारी लाइबिलिटी अगर बनती है कंपनी की तो वो भी हमें डिडक्ट करना पड़ता है, चाहे वो TDS है चाहे वो TCS है। अगर हमने किसी कंपनी का किसी कस्टमर का अगर कोई TDS या TCS अगर हमने डिडक्ट किया है तो उसको हमें टाइमली डिपॉजिट भी करवाना होता है, यानी किसका टैक्स है जो ऑनलाइन हमें चलाना है, जो डिपॉजिट करवाना होता है चाहे TDS है वो TCS है। उसके बाद में हमें क्वार्टरली इसकी रिटर्न वगैरह भी हमें तैयार करनी पड़ती है, तो रिटर्न भी हमें TDS और TCS की फाइल करनी होती है। तो इसी तरीके से हमें इनकम टैक्स का भी रिपोर्ट हमें तैयार करना होता है, जिसके हमें हमें हमारे बुक्स को देख के सारा ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिर बैलेंस शीट्स है, ये सारा तमाम यानी कि जो भी हमारा टैक्स से रिलेटेड हमें किस तरीके से नेट प्रॉफिट की कैलकुलेट हमें करनी है, किस तरीके से हमें बुक्स की ऑडिट करवानी है, तो ये सारा का सारा काम हमारा टैक्सेशन से रिलेटेड होता है, चाहे वो हम कंपोजिशन डीलर की बात करें, चाहे हम रेगुलर डीलर की बात करें, चाहे वो कंपनी की ऑडिट हो, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो, चाहे वो स्ट्रेस्ट ऑडिट हो, तो किसी भी टाइप का जो टैक्स से रिलेटेड हमारा काम रहता है वो सारा का सारा टैक्सेशन वर्क में आता है। तो जो अब ये जो टैक्सेशन का जो भी वर्क है हमारा, ये सारा का सारा हमारा इस अकाउंट्स के बेस पर ही टिका होता है, यानी कि अगर हमने अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड हैं उनको सही प्रॉपर तरीके से हमने मेंटेन किया, सभी को रिकॉर्ड हमने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो हमारे जो टैक्सेशन के जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल सही तैयार होगी। अब मान लीजिए आपके आपके पास जितनी परचेज करी है वो भी आपने आधी अधूरी लिखी है, या आपने जो सेल करी है वो उसका रिकॉर्ड भी आपके पास आधा अधूरा है, तो जाहिर सी बात है जीएसटी की जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो भी गलत होगी, और उसके बाद में जो जीएसटी संबंधित जो हमारी सेल का रिकॉर्ड हमारा जाता है वो भी गलत जाएगा। तो हमें मेन जरूरी होता है कि अकाउंट्स के काम को प्रॉपर मेंटेन करें और उसके बाद में टैक्स की कैलकुलेशन को भी हम अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ये सारा का सारा काम हमें अच्छी तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से सीखना होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मैनुअल अकाउंट्स और कंप्यूटर अकाउंट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अब मैनुअल अकाउंट, हम अकाउंटिंग है जो दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, हालांकि आज के टाइम में मैनुअल अकाउंट्स की ज्यादा जरूरत हमें होती नहीं है, लेकिन हमें मैनुअल अकाउंट्स का नॉलेज है जो होना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, अब देखो मैनुअल अकाउंटिंग, अब मैनुअल अकाउंट्स कौन सा होता है, अगर हम किसी कंपनी की किसी भी शॉप की अगर कोई बुक्स है यानी कि उसकी जो भी रिकॉर्ड्स है अकाउंटिंग से संबंधित या फिर टैक्सेशन से संबंधित, अगर उनको हम By hand अगर हम मेंटेन करते हैं यानी कि उसके मैनुअल रिकॉर्ड को हम हाथ से लिखते हैं तो वो सारा हमारा मैनुअल अकाउंट्स में कवर होता है। और कंप्यूटर अकाउंट्स का मीन्स हो गया अगर किसी उसी कंपनी की यानी कि या उस शॉप की जो भी अकाउंट्स हैं अगर हम उसको मान लीजिए टेली सॉफ्टवेयर में या बीजी जैसे सॉफ्टवेयर में या जैसे मार्ग वगैरह जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर इसको हम मेंटेन करते हैं तो वो हमारा कंप्यूटर अकाउंटिंग बन जाती है। तो दोस्तों टेली प्राइम बीजी जैसे सॉफ्टवेयर मार्ग जैसे सॉफ्टवेयर इसके अलावा लाखों की संख्या में आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो मिल जाएंगे, लेकिन सभी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, अकाउंट्स को मेंटेन करना और उसके साथ साथ हमें टैक्सेशन की रिपोर्ट्स तैयार करके देना, यानी कि टैक्सेशन की रिपोर्ट्स का मतलब हमें जीएसटी की रिटर्न्स वगैरह ऑटोमेटिक तैयार करके देना, टीडीएस की रिपोर्ट हमें तैयार करके देना, जीएसटी की टैक्स की लायबिलिटी हमें निकाल के देना, ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर काम करते हैं। लेकिन जब ये सारा काम कर देते हैं तो हमें मैनुअल अकाउंट्स की जरूरत क्यों होती है, दोस्तों जरूरत हमें अकाउंट सीखने की होती है,
न कि किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे करने की। आप अकाउंटिंग का काम सॉफ्टवेयर पे तभी कर पाओगे अगर आपको अकाउंट्स के प्रिंसिपल पता है, यानी कि अकाउंट्स के अगर हमें बेसिक रूल्स अगर हमें पता है तब हम अच्छी तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन कर पाएंगे। हम एग्जांपल के लिए समझते हैं कि जो भी अकाउंटेंट अगर वो किसी कंपनी की अगर मैनुअल बुक्स रिकॉर्ड तैयार करता है तो होता क्या है, उसके अंदर सारा का सारा काम, चाहे वो अकाउंट्स का हो चाहे वो टैक्सेशन का हो, सारा का सारा रिकॉर्ड उसको बाई हैंड एज यू मेंटेन करना पड़ेगा। और बात रही कंप्यूटराइज्ड अकाउंट की, जब ये काम हमारा किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे हम स्टार्ट कर देते हैं तो जो अकाउंटेंट की मेहनत है वो 20-25% की रह जाती है और बाकी का जो डिफरेंस है वो 80% का वो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपने आप ही पूरा कर देंगे। चाहे आप टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हो, चाहे बिजी करते हो, या इसके अलावा कोई और अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो ये सारा का सारा काम आपको सॉफ्टवेयर तैयार करके देंगे। बट सॉफ्टवेयर आपको ये 80% का काम सही तभी करके देंगे अगर आपने उसको 20% सही तरीके से ऑपरेट किया है तो, यानी कि अगर आपने 20% कमांड सही दी है, सही प्रॉपर सही तरीके से आपने लेजर क्रिएट किए हैं, सही तरीके से आपने टैक्स की कैलकुलेशन कराई है, सभी तरीके से टैक्स के लेजर आपने सही क्रिएट किए हैं, तो आपका जो 80% जो डिफरेंस बच गया वो आपका सही होगा। अगर यहाँ पर आपने गलती कर दी, यानी कि अकाउंटेंट ने अगर यहाँ पर गलती कर दी तो ये 80% का काम भी हमारा गलत हो जाएगा। तो अब हमें गलत और सही का भी पता होना चाहिए कि हम गलत किसको बोलते हैं, सही किसको बोल रहे हैं, यानी कि गलत क्या होता है या फिर सही क्या होता है। तो दोस्तों अब जैसे कि हम सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हम कुछ ना कुछ उस पर इंटरप्रेस करते रहते हैं, लेजर हम क्रिएट करते रहते हैं, तो हमें स्क्रीन पर कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में दिखता रहता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए भी जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, तो वो रिपोर्ट्स एक्चुअल में है क्या और जो है वो सही है या गलत है। फॉर एग्जांपल हमने सिस्टम से पूछा, यानी कि कंप्यूटर पे एक कमांड दी, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं यानी कि 5+2=, तो अब हमें पता है कि हमारी जो रिपोर्ट्स है वो 7 आएगी, तो हमें पता है तब तो हमने इसको क्लियर कर दिया 7 आएगी। अब मान लीजिए हमने सिस्टम से पूछा 5+2 और अगर सिस्टम ने इसको कर दिया रिजल्ट उसका दिया 8, तो हम इसको क्या मानेंगे, ये सिस्टम की रिपोर्ट्स है गलत है। हमें पता है तब हमने इसको मान लिया गलत है, ये सही है। अब हमने पूछा तो यही था 5+2=, तो ये रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन हमने सिस्टम से पूछा 5+2 लेकिन 8 दिखा दिया, लेकिन अब इसमें क्या होता है, कंप्यूटर की भी गलती हो सकती है। जैसे कि हमने 5+2 के ऊपर हमने उंगली प्रेस करनी थी लेकिन जल्दबाजी के अंदर 2 पे प्रेस ना होके वो उंगली जो 3 पे प्रेस होगी, तो 3 पे प्रेस होगी तो सिस्टम भी आपका आउटपुट है जो 8 ही दिखाएगा, क्योंकि सिस्टम को ये नहीं पता कि आप 5+2 पूछ रहे हो या 5+3 पूछ रहे हो। जैसा हम सिस्टम को कमांड देंगे वैसा सिस्टम हमें रिजल्ट दे देगा। अगर मान लीजिए गलती होगी तो रिजल्ट भी गलत आएगा, तो आपको इस रिजल्ट को यहीं पर ही पकड़ लेना है, भाई मेरी रिपोर्ट 7 आनी चाहिए थी, 8 क्यों आई है, आइए तो हम इसको वापस है जो रिपीट करके फिर इसको वापस इसको रिमूव करके सारा डाटा वापस इसको प्रेस करके देखेंगे, देन हमारी रिपोर्ट है जो 7 आ जाएगी। तो ये होता है 20% में। अगर हमने इस 20% का मतलब यहाँ पर हमने 2 की जगह गलती से 3 प्रेस कर दिया तो 20% में गलती तो ऑपरेटर से होगी, तो जाहिर सी बात है इसका 80% रिजल्ट भी हमारे कमांड के अकॉर्डिंग ही हमें शो करेगा। तो इसीलिए हमें मैनुअल अकाउंट से जो सीखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमें अकाउंट्स के बारे में या फिर टैक्सेशन की रिपोर्ट्स के बारे में 100% पता है, क्योंकि जो बंदा जो अकाउंटेंट यहाँ पर 100% अकाउंट्स अगर हाथ से लिखता है तो उसको अकाउंट्स का पूरा नॉलेज होता है भी जो हमारे पास परचेज का रिकॉर्ड आया है उस रिकॉर्ड को हमें किस तरीके से लिखना है, किसमें उसको डेबिट करना है, कौन से लेजर को क्रेडिट करना है, तो यानी कि 100% अगर काम करता है तो उसको अकाउंट्स के बारे में पता होगा और वो जाहिर सी बात है वो टैक्सेशन की रिपोर्ट के बारे में भी अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि वो सारा रिपोर्ट खुद अपने बाई हैंड है जो लिख के दे रहा है, यानी कि जो मैनुअल फॉर्म है उसको खुद अपने हाथों से फिलअप कर करके दे रहा है, तो उसके माइंड में सारी बातें ये क्लियर होती है भी
टैक्सेशन में जीएसटी आर 1 के रिपोर्ट में, बी 2 बी में हमें कौन सा रिपोर्ट देना होता है, बी 2 सी में हमें कौन सा रिपोर्ट देना होता है, 3 बी के रिपोर्ट में हमें क्या देना होता है, तो सब कुछ नॉलेज उसको होता है। तो इसीलिए जिस अकाउंटेंट को 100% अगर मैनुअल अकाउंट्स के बारे में अच्छी पकड़ होगी तो वो 20% काम है जो आसानी से कर लेगा। और इस 20% काम सिस्टम पे करने से पहले हमें ये 100% नॉलेज खुद को होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें मैनुअल अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है तो हम यहाँ पर 20% अगर सिस्टम पे करने बैठेंगे तो कहीं ना हमारे से गलती हो जाएगी और उस गलती को हम पकड़ भी नहीं पाएंगे। अब गलती पकड़ने का मीन्स क्या हो गया, मान लीजिए आप किसी कंपनी में टेली सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो टेली सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, हमने कंपनी क्रिएट करी, उसके बाद में हम लेजर पे गए, क्रिएट पर गए, क्रिएट के बाद हमने लेजर पर कर दिया। अब लेजर पे जाते हम क्या करेंगे, लेजर का नाम लिख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ग्रुप का सिलेक्शन आ जाएगा। और ग्रुप के सिलेक्शन में अब लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सिलेक्शन का हमें ग्रुप का सिलेक्शन है जो करना होता है। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए भी जो लेजर हमने क्रिएट किया है तो वहां पर ये ग्रुप हमारा कौन से ग्रुप के अंडर में जाएगा ये लेजर। तो ये सब कुछ हमें तभी पता चल पाएगा प्रॉपर, अगर हमें अकाउंट्स के बारे में अच्छी तरीके से पकड़ है तो, यानी कि उस अकाउंट्स के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इसको हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको, क्योंकि मैनुअल अकाउंट्स आपके लिए इतना ही जरूरी है जितना आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को समझते हो। क्योंकि काफी सारे अकाउंट्स लोग ये समझते हैं कि आज के टाइम में कंप्यूटराइज्ड का जमाना है तो हमें मैनुअल अकाउंट्स लिखने की जरूरत ही नहीं होती। जरूरत भले ही ना हो लेकिन आपको नॉलेज होना बहुत ही कंपलसरी है। हम फॉर एग्जांपल यहां पर एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि हमने ये लिखा श्री राम ट्रेडिंग कंपनी से रुपए का सामान हमने खरीदा है, यानी कि गुड्स परचेज फ्रॉम श्री राम ट्रेडिंग कंपनी, अमाउंट्स है गुड्स की टोटल जो वैल्यू है वो 10,130 यानी कि 10,130 रुपए की वैल्यू है। तो अब हमने गुड्स परचेज किए हैं राम ट्रेडिंग कंपनी से किया है, 10,130 रुपए की उसकी अमाउंट है। तो जाए अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि इस 10,130 रुपए में स्टॉक आइटम क्या है। तो इस स्टॉक आइटम के लिए हमें ये जो हमारा पार्टी है, ये जो हमारे सप्लायर है, ये हमें इनवॉइस देंगे। अब इनवॉइस देंगे तो इस इनवॉइस के ऊपर नंबर भी लगा होगा, मान लीजिए इनवॉइस नंबर हमें दिए वो 305 नंबर है। तो अगर हमें इसकी एंट्री हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले भी, इसका जो ट्रीटमेंट होना है अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि इसमें से कौन सा लेजर डेबिट होना है, कौन सा लेजर क्रेडिट होना है, तो ये हमें सबसे पहले पता होना जरूरी है। जैसा कि मान लीजिए हमने गुड्स हमने परचेज किए हैं, तो गुड्स परचेज यानी कि गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हम गुड्स को करते हैं डेबिट, और फ्रॉम यानी कि क्रेडिट में हमने खरीदे हैं श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी से तो हम सप्लायर को करते हैं क्रेडिट। तो यानी कि अगर इसकी एंट्री की बात करें हम तो गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू श्री राम ट्रेडिंग कंपनी। अब यहाँ पर हम एंट्री अगर बना लेते हैं तो जब बात आएगी हमारी टेली सॉफ्टवेयर पे, तो टेली सॉफ्टवेयर पे जब हम जैसे ही श्री राम ट्रेडिंग कंपनी का लेजर हम क्रिएट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ग्रुप सिलेक्शन करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए उस कंडीशन में कि अब ये श्री राम ट्रेडिंग कंपनी हमारे लिए क्या है, यानी कि हमारी कंपनी के लिए इसका क्या रिलेशन है। अब रिलेशन का मतलब, अब जाहिर सी बात है भी हमने इनसे गुड्स से परचेज किया है तो ये हमारे कंपनी के लिए सप्लायर बन गए। तो अब सप्लायर को हम किस में रखते हैं, सेंडरी क्रेडिटर में। देन उसके बाद हमें एक परचेज का लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो परचेज का लेजर हम क्रिएट करेंगे, बात आएगी अंडर ग्रुप सिलेक्शन की, तो तब हम कौन सा ग्रुप सिलेक्शन करेंगे, परचेज काउंट का। तो ये सारी बातें हमें तभी पता चल पाएगी प्रॉपर और सही तरीके से अगर हमें उसका बेसिक प्रिंसिपल पता है तो, यानी कि हम उसको मैनुअल अच्छी तरीके से उसको मेंटेन करना जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर पे काम करना कोई मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए हमें मैनुअल अकाउंट्स का नॉलेज है जो होना बहुत ही जरूरी है।
तो दोस्तों हम इस सीरीज में पूरा कंप्लीट सीखेंगे कि मैनुअल अकाउंट्स की शुरुआत हमें किस तरीके से करनी चाहिए और मैनुअल अकाउंट्स को हम कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, क्योंकि मैनुअल अकाउंट्स का मतलब होगा कि आपने प्रॉपर रिकॉर्ड खुद ने तैयार किया है और उसी रिकॉर्ड को आपने कंप्यूटर पे है जो पोस्ट किया है। देन आपको कंप्लीट पोस्ट करने के बाद में आपको अपने मैनुअल रिकॉर्ड जो आपने तैयार किए उस रिकॉर्ड के साथ आपको टैली करना होता है। जो रिकॉर्ड आपने तैयार किए वो रिकॉर्ड्स आपके मैनुअल रिकॉर्ड का आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ टैली हो रहे या नहीं हो रहे, यानी कि हर एक अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो आपके सॉफ्टवेयर का जो मैनुअल बैलेंस है वो भी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी कंपनी के अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो वहां पर हमें लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं, तो लेजर में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लेजर हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है, कौन सा लेजर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है और कौन सा हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है, क्योंकि आखिरकार फाइनल डाटा हमारे इन तीन स्टेप पे जाके फाइनल हो जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट पे। तो हमें सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर में भी हमें इसको बैलेंस शीट का पार्ट है तो क्या ग्रुप रहेगा, ट्रेडिंग का ग्रुप है, ट्रेडिंग का अगर उसके हेड में रहेगा तो क्या सिलेक्शन करना है ग्रुप का, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है तो हमें कौन सा ग्रुप है उस लेजर का सिलेक्ट करना, ये बहुत ही जरूरी है। ये नहीं है कि आपने कंपनी क्रिएट करने सीख ली, आपको लेजर भी क्रिएट करनी आती है, आपको स्टॉक आइटम भी क्रिएट करनी आती है, लेकिन आपको प्रॉपर सही तरीके से अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना आता। अब अकाउंटिंग में ये भी हो गया, अगर हमारे से जो भी हम ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं, चाहे वो परचेज की है, चाहे वो सेल की है, चाहे वो पेमेंट है, तो अगर उस एंट्री का हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, अगर उस एंट्री को हम पास कर रहे हैं तो क्या चीज़ हमारी प्लस हो रही है, क्या चीज़ माइनस हो रही है। अगर एक वाउचर दो बार अगर हमने पोस्ट कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर गलती से डिलीट हो गया तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर क्या उसका फर्क पड़ेगा। तो ये सारी बातें दोस्तों हमें मैनुअल अकाउंट से सीखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हो, कंप्लीट अकाउंट कोर्स सीखना चाहते हो, मैनुअल अकाउंट्स उसके साथ साथ कंप्यूटर अकाउंट्स, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में हम।